सेट रहेगा। हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आई हूँ ओम साई डेवलपर बिल्डर जो है उनका जो प्रोजेक्ट चालू है यहाँ पे, इनके जो सेल्स ऑफिस है वहाँ पे आज मैं जा रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। आज मैं बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और सैम्पल फ्लैट भी दिखाने वाली हूँ आपको, 1 BHK और 2 BHK का, और कितना एरिया है सारा कुछ मैं मतलब पूरा डिटेल में बताऊँगी। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो को और फुल देखिएगा। और ये जो प्रोजेक्ट चालू है ना, मैं बता दूँ आपको, ये जो लोधा है ना, लोधा का प्रोजेक्ट जो एक्सपीरिया मॉल है, मतलब कासाबेला का जो एरिया है उसके अपोजिट साइड में एकदम हाईवे टच ये प्रोजेक्ट चालू है, एकदम एक्सपीरिया मॉल के अपोजिट साइड में। तो सारा सुख सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल है, मतलब कहने का मतलब है मार्केट से लेकर स्कूल हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, कहीं भी कुछ दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये है बुकिंग ऑफिस, यहाँ साई सिटी का बुकिंग ऑफिस है, यहाँ पे आप बुकिंग कराने के लिए आ सकते हो फ्लैट्स। तो अभी हम चलते हैं अंदर और सैंपल फ्लैट भी दिखाने की कोशिश करूँगी। तो ये है अंदर सेल्स ऑफिस का व्यू कुछ, और अभी मैं जा रही हूँ सैंपल फ्लैट देखने के लिए। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पे अगर कहीं से आए होंगे भूले बिसरे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं, और मेरे साथ में है प्रमिला जी। 1 BHK ये 2 BHK का है, जी बालकनी भी आप खोल के देखिए। तो इनका बालकनी भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे, बालकनी की चौड़ाई लंबाई भी मतलब ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, मतलब बहुत अच्छा लगा बालकनी। और जो इनका 2 BHK का जो कारपेट एरिया है ना, 781 का है, 1 BHK का जो कारपेट एरिया है 466 का है। तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा इनका जो एरिया है। और ये है किचन, देखिए किचन दोनों साइड से है, अभी बना हुआ नहीं है, दोनों साइड से किचन प्लेटफॉर्म रहेगा। और अभी हम जा रहे हैं एक और जो बेडरूम है उसमें, यहाँ पे वॉशरूम देखिए, वॉशरूम का जो मटेरियल जो यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, टाइल्स वगैरह मार्बल जो भी है। और फिर एक और जो बेडरूम है वो मास्टर बेडरूम है, देखिए यहाँ पे भी बालकनी है। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे इनका जो भी सैंपल फ्लैट में देखी, बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप में से किसी को भी, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको बुकिंग करना है तो मैं नंबर दे रही हूँ, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और बुकिंग करवा लीजिएगा, और मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा एक बार वहाँ पे। और ये दूसरा वाला देखिए वॉशरूम है, और मास्टर बेडरूम का जो था वॉशरूम वो मैं दिखाई थी आपको, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और 1 BHK का फ्लैट भी आपको इसी वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। और साइड का जो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं ना, जो काम चालू है, तो वो आपको मेरे चैनल पे जाके देखना पड़ेगा, और नहीं तो मैं लिंक उसका दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। और ये सब वीडियो मैं बहुत पहले बनाई थी, एक दिन मैं आई थी जब जगन्नाथ जी का जो मंदिर है उसका जो भूमि पूजन हो रहा था ना, उस दिन मैं आई थी, तभी मैं वीडियो बनाई थी। काफ़ी टाइम हो गया पर अपलोड करने का टाइम नहीं मिला था और एडिटिंग भी नहीं हो पाया था। तो आज मैं बहुत दिन बाद इसकी एडिटिंग कर रही हूँ, और प्रमिला जी साथ में मुझे दिखा रही हैं, क्योंकि प्रमिला जी ही मुझे बुलाई थी यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए कि आइए और यहाँ पे वीडियो बनाना है आपको। और 1 BHK का जो फ्लैट मैं देख रही हूँ ना, इसमें भी मतलब मास्टर बेडरूम है, और मतलब 2 टॉयलेट बाथरूम आपको मिल जाएगा, एक जो है मतलब बेडरूम में है और एक है हॉल में। तो दोनों ही फ्लैट 1 BHK का या 2 BHK का देखा जाए तो दोनों ही सही है। अगर आप लोग में से किसी को भी बुकिंग करवाना है तो आप ज़रूर जाइएगा, विजिट कीजिएगा सेल्स ऑफिस में। बालकनी का एरिया भी हाँ ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज़्यादा पतला नहीं है।